स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौर, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। आज हम एमएससी प्रीवियस में पेपर फोर्थ में यूनिट फर्स्ट में फूड प्रिजर्वेटिव के बारे में स्टडी करेंगे। प्रिजर्वेटिव्स आर द केमिकल एजेंट विच सर्व टू रिटार्ड, हिंडर और मस्क अनडिजायरेबल चेंजेस इन फूड। मोर प्रिसाइसली, प्रिजर्वेटिव आर सब्सटेंस व्हेन एडेड टू रिटार्ड, इनहिबिट और अरेस्टेड द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फर्मेंटेशन, एसिडिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फूड ऑफ making any of evidence of putrefaction, but it does not include salt, sugar, vinegar, glycerol, alcohol, spices, essential oils, etc. According to Preservation of Food Adulteration, any PFA Act 1954 and Food Standard and Safety Act FSSA of 2006, a preservative means a substance which, when added to food, is capable of inhibiting, retarding or arresting the process of fermentation, acidification or other decomposition of food. Preservative may be antimicrobial, microbial preservative which inhibit the growth of bacteria, fungi or antioxidants as oxygen absorbers, which inhibit the oxidation of food constitute common antimicrobial preservative include calcium propionate, sodium nitrate, sodium nitrate and sulfide, and ethylenediamine, tetraacetic acid, यानी DTA. Antioxidant include butylated hydroxy anisole and butylated hydroxy toluene. Sulfur dioxide and benzoic acid are among the principal preservative used in the food processing industries. जैसे कि जनरली इन पिकल्स में या जैम्स में बेंजोइक एसिड एज ए प्रिजर्वेटिव काम में लिया जाता है। क्लासेस ऑफ प्रिजर्वेटिव अंडर PFA 1954, preservative are classified into classes. Preservative, first class preservative include mainly natural product which are used comparatively in higher concentration than class second preservative. यानी इसकी concentration जो है class first की concentration ज़्यादा use में ली जाती है. There is no restriction to addition of क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव टू एनी फूड. फॉर एग्जाम्पल, कॉमन सॉल्ट, शुगर, डेक्सट्रोज, स्पाइसेस, विनेगर, एसिटिक एसिड. यानी ये जो क्लास फर्स्ट के प्रिजर्वेटिव है ये हायर कंसेंट्रेशन में होते हैं सेकेंड की तुलना में. इन पे जो है रेस्ट्रिक्शन, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है.
क्योंकि इस कैटेगरी में कॉमन साल्ट है, शुगर है, डेक्सट्रोज है, स्पाइसेस है, विनेगर, एसिटिक एसिड, हनी, वेजिटेबल ऑयल, इनको शामिल किया जाता है। और जो क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव है आर जनरली सिंथेटिक केमिकल्स यूज इन स्मॉल क्वांटिटी, यूज ऑफ मोर देन वन क्लास सेकंड प्रिजर्वेटिव इज प्रोहिबिटेड, फॉर इंस्टेंस बेंजोइक एसिड एंड इट्स सॉल्ट्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट्स एंड द सॉल्ट्स ऑफ सल्फरस एसिड, नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट, सॉल्बिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, प्रोपियोनिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, लैक्टिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, मिथाइल और प्रोपाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा। अब हमारे पास क्या है, परमिटेड यूजेज लेवल ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव इन फूड। जैसे केमिकल प्रिजर्वेटिव हमारे पास सॉल्बिक एसिड है एंड इट्स सॉल्ट है, इनकी कंसनट्रेशन दे रखी है। और फूड जो है काम है जो लिया जाता है वो साथ में एग्जांपल दे रखा है उनका, नेक्टर्स, रेडी टू सर्व बेवरेज इन बोटल पाउचेज, सेलिंग थ्रू डिस्पेंसर, जैसे कि बेंजोइक एसिड एंड इट्स सॉल्ट है, इनकी जो कंसंट्रेशन जो रेंज है ppm में 120-200, रेडी टू सर्व बेवरेज, जैम है, जैम में है, जेली में है, फ्रूट जेली, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। अभी हमने जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव में हमने जो कैटेगरी डिवाइड की थी उसमें है क्लास फर्स्ट में से कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, डेक्सट्रोज है, इसका एग्जांपल लिया था, स्पाइसेस, हनी, और क्लास सेकंड में हमने देखा था बेंजोइक एसिड है और सल्फरस एसिड इंक्लूडिंग सॉल्ट्स एक्सेट्रा। और अब हमारे पास है यूज ऑफ मोर देन वन क्लास सेकेंड प्रिजर्वेटिव प्रोहिबिटेड, हमारे पास जो कैटेगरी है इनकी क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड, क्लास फर्स्ट में हमने देखा कि जो कंसर्न अमाउंट ली जा रही है प्रिजर्वेटिव की वो कंसंट्रेशन ज़्यादा ले सकते हैं, और जबकि क्लास सेकेंड क्या है रेस्ट्रिक्टेड होती है और उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम मात्रा में उसकी क्वांटिटी को यूज़ किया जाता है। ये जैसे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, फ्रूट जूस है, अपने जेलीज हैं बहुत कम मात्रा में, ये कुछ हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं जो कि प्रिजर्वेटिव में आते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।